दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी बड़ी बड़ी सिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सभी अभी 5G के ऊपर वर्क कर रही है, 5G की टेस्टिंग कर रही है, वो कितनी स्पीड दे रही है, कितनी स्पीड देनी चाहिए, इन सभी के ऊपर वो लोग अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अब ये लगने लगा है कि 5G जो है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, हम अपने घर में बैठे बैठे 5G का इस्तेमाल अब कर पाएंगे बहुत ही जल्द। बड़ी बड़ी सिम कंपनियां जो है वो 5G के ऊपर वर्क कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मोबाइल कंपनियां भी जो है वो सभी भी 5G के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है, वो 5G मोबाइल्स को मार्केट में बहुत ही जल्दी जल्दी ला रही है। और अब लगभग जितने भी मोबाइल्स मार्केट में लॉन्च होते हैं उनमें से 95% मोबाइल 5G आपको देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा ही 5G फ़ोन लेके आया हूँ जिसमें कि आपको 5G का कनेक्शन देखने को मिलेगा और आप इसमें 5G को बहुत ही आराम से यूज कर पाएंगे जब 5G लॉन्च हो जाएगा। तो ये फ़ोन कौन सा है ये सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निरुपम और आप देख रहे हैं टेक्निकल निरुपम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको जिस 5G फोन के बारे में बताने वाला हूँ वो होने वाला है पोको का M4 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि एक बहुत ही शानदार फोन होने वाला है। यदि आप स्टोरेज के अनुसार इसके वेरिएंट्स देखिए तो आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक होने वाला है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला और दूसरा वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला। इसमें आपको 6.52 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल्स का, और इसकी मदद से आप बहुत ही शानदार पिक्चर्स को क्लिक कर पाएंगे। आप डे में क्लिक करें या फिर नाइट में क्लिक करें आपको बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि बहुत ही शानदार पिक्चर क्लिक करके देने वाला है आपको, और साथ ही साथ इसका जो फ्रंट कैमरा होगा सेल्फी कैमरा होगा उसमें आपको वाइड एंगल भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके चार्जिंग की तो ये फ़ोन सपोर्ट करने वाला है 33 वाट्स की फास्ट चार्जिंग को, और साथ ही साथ इसमें जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो होने वाली है 6000 mAh की बैटरी, यानी कि बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगी इस फ़ोन में, और आप इस फ़ोन को बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे 33 वाट्स की फास्ट चार्जर से। अगर हम बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 SoC प्रोसेसर जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोसेसर है, और इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स को बहुत ही आसानी से इस मोबाइल में प्ले कर पाएंगे। इस फोन में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही शानदार बात होने वाली है इस फोन के लिए। तो ये सब तो हो गए इस फोन के स्पेसिफिकेशंस, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये फोन लॉन्च कब होगा और इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो कितनी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फोन है ये आपको अगले महीने में देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ये फोन। अगर हम बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की तो इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उन दोनों की अलग अलग प्राइसिंग होने वाली है, बस इसकी स्टार्टिंग जो प्राइसिंग होने वाली है वही हमारे सामने अभी निकल कर आई है जो कि होने वाली है 28,499 रुपये। आप देखते हैं कि इसके जो दूसरा वेरिएंट होने वाला है उसकी कितनी प्राइसिंग होने वाली है। आपको इस फोन में बहुत सारे अलग अलग कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।